लेकिन वो बातों से नहीं होता, बातों से नहीं होगा, करनी करो। करनी एक तरह से नहीं होती, कल शाम के सत्संग में भी मैंने बताई थी, करनी तो हमारे क्रियात्मक जीवन में है। जो भी काम करते जाते हो सच्चाई से ईमानदारी से करो। सच्चाई से जो काम किया जाता है वो धर्म के निमित्त किया जाता है, धर्म में रह के किया जाता है। और जो आदमी धीरज रखता है वो धर्म का भी पालन करेगा। बल्कि रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत्काल पर रखिए चारी। कि इंसान को अपने धीरज को कब देखना चाहिए, जो इस शब्द में भी आया था ना, उसमें था कि भाई कभी दुख होया, कभी माँ का दुख देखा, कभी काम करना पड़ा, कभी कुछ, क्योंकि वो एक घटना थी। लेकिन वो कोई नई बात नहीं, सबके साथ मैंने पहले भी कहा था, सबके जीवन में घटती है। किसी से भी पूछ के देखोगे कमोबेश सबको ऐसा समय आता है कि उनको ऐसा अवसर मिलता है कि इंसान की समझ उसको आए, लेकिन कोई समझने के बाद में, संभलने के बाद में फिर लापरवाही में गिर जाते हैं, भूल जाते हैं जब अच्छा वक्त मिलता है। वो मैंने भी कहा है कि जब बुरा वक्त था सब कुछ समझ आता था, थोड़ा अच्छा है तो फिर उल्टा रास्ता पकड़ा गया, फिर गलत रास्ते पे चल पड़े। तो ये माया का और काल का जाल है, वो अपना जाल फैलाते रहते हैं, अपने खेल में उड़ जाते रहते हैं। लेकिन जिसने गुरु की लड़ फड़ ली, जिसने गुरु की शरण पकड़ ली, गुरु अपने शिष्य को भटकने नहीं देता है। अगर वो भटकता भी है तो उसको घेर फेर के लेके आते हैं, ये एक अलग बात है। अगर ज़्यादा भी भटक जाता है तो अब नहीं, अगला जन्म भी उसको मनुष्य का दिलाते हैं, फिर उसको गुरु मिलता है, फिर उसको सत्संग मिलेगा, क्योंकि करनी भंग हुई है उसकी। संत मत में एक बार जो जीव आ जाता है, चाहे वो कितनी बार भी गिरो, अंत उसका तभी होगा जब उसको निज घर में पहुंच जाएगा। कितनी बार भी वो गिरेगा तो भी उसको माफ़ किया जाएगा, बार बार सदगुरु उसको संभाल के इंसान की योनि में लेके आएगा। हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म हमने किए, जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करके उसको इंसान का चोला मिल जाएगा, नहीं। अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, दान पुण्य किया, भलाई के काम किए, हो सकता है हमें क्या योनि मिले, सुख भोगने के लिए मिलेगी, सुख के बदले में सुख मिलेगा। अब देखो कुत्ते कैसे कैसे घरों में रहते हैं, उनको साबुन से नहलाते हैं, मखमली बिस्तरों पे सोते हैं। मैं बाहर जाता हूँ दूसरे देशों में, मैंने देखा है कोई एक आध आदमी बचा हुआ उनमें, कुत्तों की वो सेवा होती है जो इंसानों की नहीं होती, और हमारे बेटा बेटी भी नहीं करते माँ बाप की, वहाँ कुत्ते और बिल्लियों की करते हैं। क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म तो किए होंगे लेकिन गुरु के निमित्त होके नहीं किए, चोला उनको इंसान का नहीं मिला। लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद में अगर वो करनी से भी गिर जाता है, पाप कर्म भी हो जाता है, तो भी वो गुरु उसको दूसरी गंदी योनि में नहीं जाने देते, इंसान की योनि में लेके आते हैं, लेकिन कभी भी उसको भटकने नहीं देंगे। और जब तक उसको निज घर में नहीं पहुंचा देंगे, हर युग में उसको संत मिलेगा। संतों से पृथ्वी कभी खाली नहीं होती, संत इस धरा पर जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, और जिसके जिम्मे जो होते हैं, जितने जीव होते हैं उनको वो लेके भी जाते हैं। सब संतों ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेवारी है, चाहे वो कैसे भी करें, लेकिन संत पुरुष की तरफ से उनको हुक्म होता है, जो जो जीव अधिकारी होते हैं वो उनके पास आते हैं। और उनके पास महाराज जी ने बताया ये कि अनेक संतों के पास, साधुओं के साथ महात्माओं के पास गए, और महात्माओं के पास गए लेकिन कहीं भी उनको दीक्षा नहीं मिली। आखिर में मस्ताना जी के पास भी जब गए सरसा में, तो उन्होंने भी कह दिया कि तू हमारा जीव नहीं है। इस तरह से और भी बहुत से महात्माओं की बात है। लेकिन जब अरमान साहब के पास गए, उन्होंने एक बार दो बार में नहीं, तीसरी बार में उनको नाम की दीक्षा दे दी, क्योंकि वो उनका अधिकारी जीव था। और उनको भी हुक्म था महर्षि जी का कि ताराचंद के अरमान साहब कि मेरी ताकत आएगी और जाओ वो तेरी मदद करेगी। कहने लगी जी मेरी इतनी ताकत कहाँ है कि मैं जीवों को नाम दान दूँ, मेरे अंदर खुद के अंदर करनी नहीं है, मैं क्या करूँगा। कहने लगे मेरी पूर्ण धार आएगी और वो तेरी मदद करेगी, तू सिर्फ नाम मात्र के लिए, कुछ दिन के लिए है। कि जब ऐसी ताकत आएगी, तो अरमान साहब ने जब हजूर महाराज को देखा, और देखने के बाद में एक बार दो बार नहीं परखा उनको, और परखने के बाद में कह दिया कि हाँ दीक्षा आपको यहीं से मिलेगी। और वो दीक्षा मिली, आज उसका देखते हैं कितना विस्तार होता जा रहा है ये।
ये विस्तार क्यों था कि संत जो आते हैं वो पटा लिखवा के आते हैं उन जीवों का, और उन जीवों का कल्याण होता है। अब देखते हो दूर दूर से, कहाँ कहाँ से, दूसरे स्टेटों से भी, कोई टीवी में देखता है, कोई किसी से सुन लेता है, कोई किसी बहाने से, कोई संतान के बहाने से, कोई रोग बीमारी के बहाने से, कोई भक्ति के नाम, अपना कल्याण के नाम से, किसी न किसी रूप में बहाना बनता है जीव का, और उनको संतों की शरण मिल जाती है और उनका कल्याण का इंतजाम और प्रबंध होता है। लेकिन कब है? जब भाग का भाग पलटा खाता है तब, तब तक वो जीव भटकते रहते हैं। अब कितने हैं, कोई इलाहाबाद से लड़की आती है अपनी, वो जय गुरुदेव की शिष्य थी, बेचारी रोती थी, यहाँ आने के बाद कहने लगी जी हमें शांति मिल गई कि गुरु जी जाने के बाद में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिससे हमारी रूहानियत प्यास पूरी हो सके। लेकिन टीवी पर जब सत्संग आपका देखा सुना तो दिल में ये यकीन और तसल्ली हुई कि कम से कम रूहानियत का सत्संग कहीं तो है और वहाँ जाके हमारी तड़प पूरी होगी। अब वो आते हैं और आने के बाद कभी जाने का मन नहीं करता। कितने दूसरे लोग और दूसरे उनके सत्संगी हैं बेचारे। मैं किसी का ना नेम तुड़वाता हूँ, ना उनको ये कहता हूँ अपने गुरु और धर्म को छोड़ो। मैं कहता हूँ कि मेरे से जो आपको लेना है, चाहे आप किसी को भी मानते हो, लेकिन आपकी जो बाधा है, करनी में रुकावट है, नाम के जपने में, भजन के करने में, उसको जितना मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको सही रास्ते पे रास्ता दिखाऊंगा। अगर मुझे नहीं पता हुआ तो कह दूंगा कहीं भी जाओ, लेकिन ये गुंजाइश नहीं होती। आज धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं, आज धर्म के नाम पर ताड़ियाँ पीटी जा रही हैं, आज धर्म के नाम पर ड्रामे और नौटंकी की जा रही हैं, गुरुओं की और धर्म की परिभाषाएं बदल गई हैं। संत मत की कभी नहीं पलटती है। संत मत जीव के कल्याण के सिवाय उसको आडंबर में, पाखंड में नहीं फंसाता। संतों का सत्संग तो एकदम सादा होता है, वो उसकी रूहानियत क्या है कि रूह के लिए जो काम किया जाए, रूहानियत तो वो होती है। अरे काम करते हो ड्रामेबाजी के नाम रूहानियत कर लेते हो, ये कैसे होगा? दूसरों की आलोचना करते हो, बुराई करते हो, कौन सा धर्म कहता है ये? अगर दूसरे की कोई बुराई करता है उसके पास कहने के लिए नहीं है क्या? रखने के लिए परमात्मा का गुणगान करो, नाम की व्याख्या करो, करनी का तरीका बताओ, बुराइयों से बचाओ, सच्चे मार्ग पर चलाओ, झूठ कपट छुटवाओ, ये है धर्म का काम। तो आज देखते हैं कि पाप फैला जा रहा है, कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं चोरी डकैती हो रही है, संस्कार नहीं है बच्चों में, बुरे से बुरे काम होते हैं, संतान कई में नहीं है, रोजाना गलत काम होते हैं, सास बहू का झगड़ा देखते हैं घरों में रोजाना। क्या होता है कि या तो बहू मरती है, सास मरती है, आपस में प्यार नहीं है। धर्म क्या सिखाता है? हम सत्संगी लोग भी इन चीज़ों की गौर नहीं करते और फिर ढिंडोरा पीटते, हम नाम की करनी करेंगे, कैसे करेंगे नाम की करनी? सदगुरु की शरण में आके तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे अधिकार ही नहीं रह गया मैं गलत सोचूं, गलत करूं। अगर जो भी करते हो वो गुरु के निमित्त होके करो, जो भी कर, क्यों कि जिस दिन नाम की दीक्षा ली थी उस दिन हमने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दिया था, गुरु के समर्पण हो गए थे हम, कि मेरा तन मन धन विचार ख्याल सब आपके उससे होगा, सब आपकी अनुमति के रहनुमाई में, और आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई काम भी नहीं करूँगा। लेकिन हम करते क्या है, नाम का तो गुरु बनाया है, काम अपनी मर्जी के करते हैं, गलत सही कुछ देखते ही नहीं है, और ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, फिर चाहते हैं कि हम उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। और कर्म कहाँ से बनता है? इंसान के अंदर से ख्यालात से बनता है। जब ख्याल तुम्हारा अच्छा है तो काम भी तुम्हारे अच्छे होंगे, जब ख्याल तुम्हारे बुरे हैं तो कर्म भी तुम्हारे से बुरा ही होगा। अगर तुम्हारे ख्याल परमात्मा से मिलने के हैं तो परमात्मा से अवश्य मिलोगे, अगर ख्याल तुम्हारा है मुक्ति का तो मुक्त हो जाओगे, जीवित मुक्त हो जाओगे, अभी मुक्त हो जाओगे। बहुत छोटा नुक्ता है, बहुत कम समय में ये काम हो सकता है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ बदलने की बात है। अपने आप को बदल दो, सिर्फ बदलने के कारण ही, क्योंकि काग वृत्ति हम छोड़ते नहीं हैं, बनना चाहते हैं हंस नहीं बन सकते, सतगुरु बना देता है, सतगुरु ने सब कुछ कर दिया। लेकिन कुंजर जैसा स्नान है हमारा, हाथी जैसा,
अरे हाथी जाके गहरे पानी में स्नान करता है, नहाता है, सूंड में पानी डालता है, शरीर को बदन को रगड़ता है, मिट्टी में लौटता है अंदर में गार में, और सब नहा धो के जब बाहर निकलता है सूखी मिट्टी अपने शरीर के ऊपर फिर से फेंक लेता है। हमारा भी वही है कि हम वैसे तो नाम के अनुयायी बने हुए हैं गुरु के, और बाहर आके करते कर्म क्या करते हैं हमारे, उस कुंजरी स्नान की तरह से है। इतना कुछ करने के बाद में भी हम अपने सिर के ऊपर बदन पर धूल डाल लेते हैं, तो ये काक की वृत्ति क्या है? जन्म जन्म से हमारी काक की वृत्ति रही है। अरे चंदन के बाग में रहने वाले पेड़ों में भी खुशबू हो जाती है, सत्य संगति में बैठने वाले नीची जाति के भी ऊंचे हो गए, बुरे कर्म करने वाले भी पवित्र और शुद्ध हो गए, बड़े बड़े पाप करने वाले भी बड़े बड़े महात्मा और महापुरुष कहलाए अच्छी संगति के कारण। लेकिन हमारी संगति कौन सी है? तो जो सत्संग में आके गुरु की शरण लेके नाम के अनुयायी बन के, और वो फिर भी अपनी करनी नहीं बदलते हैं, खोटे कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, नाम नहीं जप सकते। नाम अगर जपना चाहते हो तो नाम के लिए पहले उसकी अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, और वो करनी करने के लिए फिर तुम देखोगे ना, फिर तुम्हें कोई समय की पाबंदी नहीं रहेगी। जहाँ कहीं बैठोगे वहीं ध्यान लगेगा। क्यों लगेगा? कि हमारे जब ख्याल एक बार जुड़ जाएंगे, काम करते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए तुम्हारा ख्याल वहीं जुड़ा रहेगा। तो प्रभु कोई स्थूल रूप में नहीं है, सच्चाई के रूप में जानना चाहते हो तो हर जगह मौजूद है, और हर जगह जिसको देखना है तो उसको अनुभव ही तो करना है। वो जागृत में भी अनुभव कर सकते हो, वो ध्यान में भी अनुभव कर सकते हो, सुमरण के टाइम भी अनुभव कर सकते हो, ओत पोत में उसके तुम अंदर हो और वो बाहर भी हो। अंदर बाहर जब हर जगह वो मौजूद है तो उसे जुदा कब थे? जुदा तो हमने खुद ने बना दिए हैं। हम सोचते हैं कहीं साथ में आकाश में रहते होंगे, नहीं। लेकिन उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है उस गुप्त रास्ते से चलना पड़ेगा। शरीर के 9 दरवाजे हैं, ये बाहर के हैं। नानक साहब कहते हैं कि जो कुछ है सो भटके माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो बाहर ढूंढते हो तीर्थों में, व्रतों में, आरतियों में, यज्ञों में, हवन में, बुरे नहीं है वो। ये भी मैं नहीं कहता, अब इसको गलत ना सोचना कि यज्ञ हवन पूजा करने से इंसान को वो क्या है, लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, उसमें भी अच्छे विचार बनते हैं और उनका जितना भी उनका पहुंच है उतना वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन मुक्ति के लिए कहता हूँ, मुक्ति के लिए तो आपको नाम की ही कमाई करनी पड़ेगी। बिना नाम के जीव की मुक्ति नहीं है। और नाम है क्या? प्रभु का गुणगान, उनकी वास्तविकता से आदमी का साक्षात्कार। और जब वो साक्षात्कार कहाँ होगा? अपने आप में ही होगा। अपने आप में कैसे? कि जब इस शरीर के 9 दरवाजों को छोड़ के जब अंतर में तुम 10वें रास्ते चलोगे, जो सुखमन के रास्ते से ऊपर की मंडलों में जो जो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, तो तुम्हारा ये अंधेरा छटता चला जाएगा और प्रकाश में प्रवेश कर जाओगे। और वो सार तत्व में जब पहुंच जाओगे तो आपको वास्तविकता का भेद भी लग जाएगा कि वाक्य में जिस दुनिया में हम रहते हैं वो काल देश है, वो सिर्फ क्षण भंगुर है और कुछ नहीं है। इस दुनिया में तो जीव मुसाफिर की तरह आता है, जाता है, बार बार जन्मता है, मरता है। लेकिन जो गुरु की शरण पा जाता है, सच्चा ज्ञान, सच्चा भेद और सतनाम का जिसको भेद मिला है, वो सच्ची करनी करके गुरु के चरणों में जाके समा जाता है, उसको फिर ये कष्ट दुख नहीं भोगने पड़ते। परंतु उसके लिए ज़रूरी है भाई, मैं ये जो बात बताता हूँ ये ना सोचना मैंने इनका पालन भी किया, घना नहीं थोड़ा किया होगा। गुरु की शरण में रहा हूँ मैं, जानता हूँ साथी लोग और होंगे, लेकिन जिनको मान बढ़ाई चाहिए थी, जो इज्जत के भूखे थे, जो 420 चालाकियाँ करते थे, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उनको खाक छाननी थी, वो अब भी छान रहे हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट और नीच पापी हैं, उनकी वृत्ति अब भी नहीं बदली है और वो बदलेगी भी नहीं उनकी, क्योंकि वो पाप बुआरने के लिए आए हैं, उनको पाप बुआरने हैं। जिन लोगों की चाह दूसरी होती है उनकी नज़र बता देती है, जबान पे उनके कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। उनका संग देखो तो अपने
जैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं उनके ही जाके वो अपने आप वहाँ मिल जाएंगे सब। एक वो एक अपने जो संजय है, इसने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही, कहीं जा रहे थे तो बात किसी से भी मिलो अच्छी बात तो अच्छी होती है, तो कोई बात जिक्र चल गई तो कहने ले गया, बोला जी ये तो इसी बात होगी महा किसी किसी आदमी की थी, बोले फलाना आदमी फलाने आदमियों के पास जाके बोला वो बैठ गया, बोला कि सत्संग में गया मैं, बोला कि सत्संग में क्या गया, वो तो कुसंग में गया। सत्संग और कुसंग का अंतर नहीं पता, सत्संग तो होता है महापुरुषों का जहाँ नाम की चर्चा परमात्मा की चर्चा होती, कुसंग होता है दुष्ट आदमियों का इकट्ठा हो जाना। कहने लगे बोला जी यह तो अच्छी बात होगी, मैं बोला भाई के अच्छी हुई, बोला तू कानी मैं कूपो और दो डूबदा एक ही डूबियो, मैं इसका के मतलब ने बोला जी कुबड़ा आदमी था और उसकी शादी कानी और छेती होगी, तो कहने लगे तू कानी मैं कूबो के मैं तो कुबड़ा सुर तू कानी से, मेरा दो डूबता एक डूबियो, मेरा दो बार डूबा आई भी अपना एक डूबेगा दोनों का मिलके ने। तो भाई आदमी जो अपनी किस्म का आदमी ने अपना आप ढूंढ लेगा जाके ने, जो सच्चाई के खोजी हैं जिनको सच्चाई चाहिए, जिनको नाम की कमाई करनी है, जिनको अपना कल्याण करना है, वो ऐसी वैसी संगति में कभी नहीं जाता, भूले से भी नहीं जाएगा। बल्कि मैं तो मुझे एक बार बार बात याद आती है कि बुरे का संग ना करो, चाहे तुम नाम एक पल ना लो, अगर बुरे का संग अगर तुमने मनमुख का संग एक पल के लिए भी कर लिया तो तुम्हारे कई जन्म व्यर्था चले जाएंगे। किरणगा का अपने पंडित जी था तो वो उसने बैठे बैठे वो दो लाइन बोलिया करदा, ने बोला कि जिस मारग नुगरा गया ज्ञानानंद मत जा, नाम तो गोपी था लेकिन उसने अपना नाम ज्ञानानंद रख रखा था, लेकिन अच्छा सत्संगी था। बोला जिस मारग नुगरा गया ज्ञानानंद मत जा, पेड़ पेड़ में टिक गई तो 100 जन्म दुख हुआ, कि अगर नुगरे मानस की पेड़ में भी पेड़ टिक जाने तो भी 100 जन्म तक दुख पाओगा वो। तो इसलिए प्रेमियों मनमुखों का संग मत करो, तुम सदगुरु के जो प्यारे हैं उनका संग करो। गुरु के प्यारे कौन हैं? जिनके मुख से गुरु की महिमा, नाम की महिमा, अच्छे वचन, उपदेश, सच्चाई, नाम की चर्चा होगी, प्रभु का गुणगान करेंगे वो हर समय, वो बुराई नाम की चीज नहीं होगी। और जिनके दिल में मैल भरी पड़ी है, वो जो काग रूप खुद हैं, वो तुम्हें क्या ज्ञान देंगे, क्या उनसे तुम लेके आओगे भूले से भी। इसलिए संत मत की तो लाइन ये भी है कि तुम गुरु के तो सन्मुख हो जाओ और मन के बेमुख हो जाओ, मन के भी। अरे तुम्हारा अपना मन जो कहता है वो भी ना करो तो कौन कहता है? जो गुरु कहता है वो करो, क्योंकि गुरु ने ही हमारा कल्याण करना है। और गुरु अगर हमारे लिए बुरा कहता है, बुरा करता है, तो जाहिर में बुरा दिखाई देगा, हमारा बुरा नहीं होगा। गुरु तो जैसा भी करेगा वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी भलाई के लिए ही करेगा, इसलिए उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु पक्ष नहीं करता, वैद पक्ष नहीं करता, न्यायाधीश पक्ष नहीं करता। अगर ये लोग पक्ष करते हैं, ज्योतिषी पक्ष नहीं करता। राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिषी अगर ये पक्ष करने लग जाए तो उनको राजा, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी नहीं कहना चाहिए। कभी भी वो पक्ष नहीं करेंगे, अपने दुश्मन के लिए भी भलाई करेंगे। इसलिए हमें तो ये चाहिए कि हमें हमारे लिए कोई कुछ भी सोचता रहे, हमें उसका हित ही करना चाहिए। पापी से भी कभी घृणा ना करो, तुम्हें पता भी हो तो भी उसका अच्छा करो, हित करो, अच्छा करने की आदत डालो। पाप कर्म में कभी भी अपने ख्याल विचार को ना जाने तो करना तो दूर की बात। आज समाज में जो बुराइयां पर फैली हुई हैं, जाहिर है वो सब की सब, और सबसे बुराई है बेटी को बचाना, बेटी को मारना। बेटी को मारना नहीं, बेटी को बचाओ। आपको क्या अधिकार है कि किसी की जान लो? जो जीव संसार में आना चाहता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? अगर रोकेंगे तो उसका कर्म कौन पूरा कर देगा? उसके जिम्मे जो काम है वो कौन दुनिया में पूरे करेगा? उसने किन किन का कर्जा देना है वो कौन देगा? ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर समाज में देखोगे, अगर ये लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है, कल को लड़कियां नहीं होंगी तो आगे की क्या संतान पैदा होनी बंद हो जाएंगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
पानी की बर्बादी हो रही है देखते हैं, कोई परवाह नहीं करता। जिसको कहा जाता है अच्छी बात, किसी को कहना भी अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात को नहीं मानते। लेकिन जो कोई अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, आप अपनी अच्छाई करनी मत छोड़ो। बार बार उससे कहो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में नहीं, वो कभी ना कभी उस बात के महत्व को समझेगा। अच्छा करने की आदत डालो, अच्छा करवाओ दूसरे से और अच्छी शिक्षा दो। तीसरी बात, घरों में प्यार प्रेम रखो। जब तक घरों में प्यार नहीं है आप भक्ति नहीं कर सकते। घरों में अगर शांति नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो जिक्र आया था अभी धीरज धर्म का, इंसान को धैर्य रखना चाहिए। वक्त आता है सब ठीक हो जाता है, जल्दबाजी करोगे नुकसान उठाओगे। जो धैर्य रखेगा, तो मेरी बात भी उसमें ये थी कि मैंने बुरा भला जो वक्त आया धैर्य रखा, आखिर गुरु की शरण मिल गई। गुरु की शरण मिल गई, धन्य हो गए, सब पाप नाश हो गए, जितने कर्म थे एक भी बाकी नहीं रहा। क्योंकि हमारे अगर कर्म होते तो बहुत कष्ट होता, अब कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, जब यदा कदा कोई छोटे मोटे होते हैं वो हम जानते हैं कि वो तो गुरु इसलिए हमें देता है कि ताकि हम रास्ते से ना भटक जाएं। जो कि हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, वो हमारे हितकारी हैं। वो हमें कहते हैं भटक मत जाना, अगर तेरे अंदर ये बुराई है तो इसको ख़त्म कर ले, अगर ये बुराई तेरे अंदर नहीं है तो उनको भोंकने दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सतगुरु अंग संग रह के हमारी रक्षा करता है। हम ही अगर सतगुरु को भुला दें तो फिर दोष किसको देंगे? गुरु का दोष नहीं है उसमें, गलती हमारी है। जब गुरु माथे से उतरे शब्द भी हो ना हो, गुरु अगर पल भर के लिए भी हमारे ख्यालात से निकल गया, अगर हमने ये सोच लिया कि कौन देखता है गुरु नहीं देखता, नहीं, जब भी कोई कर्म करते हो सोचो दुनिया के लोग नहीं देखते, कोई उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन सतगुरु जानता है। जिसके दिल में ये बात रहेगी सतगुरु देखता है, सतगुरु जानता है, उसको जो मैं करता हूँ सब पता है, तो हमारा कल्याण समझो हो गया। क्योंकि हम गुरु के बन गए, हम गुरुमुख हो गए, क्योंकि सब कुछ हमने गुरु के ऊपर छोड़ दिया, तो ना तो हम बुरा कर सकते हैं, ना बुरे रास्ते जा सकते हैं। और गुरु हमारे लिए क्या कहता है करने के लिए कि नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे तो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और एक बार जो अच्छा करने की आदत डाल लेता है वो फिर बुरे रास्ते पर नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। क्यों? कि गुरु उसकी रखवाली करता है, पहरेदारी करता है। अनेक बात ऐसी हैं कि जब जब कोई शिष्य भटकने के दौर से गुजरा तो गुरु ने प्रकट होके चाहे उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा कि शिष्य के दुख दूर किए। मैंने तो साक्षात रूप में ऐसे देखे हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कई बार दिल में तो आता है कह दूं लेकिन नहीं कहूँगा, वो सही बात में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कष्ट ऐसे ऐसे आए कि मैं उनको, साथ में रहने वालों को पता भी है और मुझे बहुत उस चीज़ का दुख भी होया, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अपने नित्य नेम की जो प्रार्थना, जो भजन बंदगी करता हूँ उसके साथ मेरी, मैं आपको बताने के लिए कहता हूँ ये बात कि मेरे साथ साथ वो बंदगी उससे भी पहले थी। कि सतगुरु ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत काम नहीं किया, फिर ये काम क्यों हुआ? लेकिन मुझे हमेशा ये जवाब मिलता रहा और मुझे तसल्ली रही कि वो नहीं होगा। मैं कहता हूँ कुछ ही दिन में वो चोर भी पकड़ा गया और वो सामान भी दे दिया सारा का सारा, ऐसा दे दिया। और मैंने ये बात मैंने सबको बता दी थी कि मां चोर ऐसा होगा कि तुम यकीन नहीं करोगे, चोर तुम्हारे पास रहने वाला होगा और अपने आप जाहिर हो जाएगा, नहीं जाहिर होगा तो मेरी गारंटी है वो महा अगर जड़ के नहीं मर जाए सबके सामने, उसको जड़ने क्या, उसको उससे पहले ही उसने तो फटाफट अपने आप एक नाटक और ड्रामा करके और वो ऐसे रख दिए। मैं कहने लगा धन्य सतगुरु, मत्था पीटा कि मैं इस छोटे से काम के लिए सतगुरु को इतना कष्ट देता हूँ। लेकिन ये यकीन आ गया कि सतगुरु कभी गलत नहीं होने देगा। जब भी कोई गलत होता है अपने आप सूक्ष्म रूप में सारे काम पूरे अगर जिस तरह भी चाहते हैं उसी तरह से सतगुरु कर देता है। यकीन हमारा है नहीं, यकीन अगर हमारा हो, पलटू साहब क्या कहते हैं कि पलटू लिखी नसीब की संत देते फेर, जो दिल साथ जो अपने तो पलक न लागे देर। एक पलक की देरी नहीं लगती, सच हमारे दिल में नहीं है। मान बड़ाई के भूखे हो, इज्जत के भूखे हो, झूठी बातों के लिए फिरते हो इधर उधर,
अगर सच्ची भक्ति करते हो, दिल में सच्चाई रखो, दिल की पवित्रता काम आएगी। शरीर को कितना नहाओ धो, कितनी चापलूसियां करो, कितनी जबान से चतुराई करो, कितने ग्रंथों का अध्ययन करो, कुछ नहीं होगा। करनी बड़ी है, करनी करो। गुरु ने तो करनी कराने के लिए कहा है, और कोई पाखंड नहीं बताता। और वो कैसे होगा? घरों में प्यार प्रेम रखने से, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करने से, जबान से मीठा और सत्य बोलने से, पाप कर्म छोड़ने से, भजन ही भजन है। फिर जिस इंसान के पास सत्य है वहीं भक्ति है, जहां सत्य नहीं वहां पाप और काल है, वहीं विनाश है और वो कभी भी उबर नहीं सकता। तो मेरा तो ये संदेश है, क्योंकि सतगुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी, चाहे जो भी होता था, घटित होता था मेरे साथ, जब लोग हंसते थे कि आज तो मास्टर के साथ ये हो गया, आज तो ये हो गया, वो हंसते थे, लेकिन फिर भी दूसरे ही पल जब ऐसे होते थे तो उनका ऐसे हो जाता था जैसे कोई उनका गुजर गया घर में। क्योंकि सतगुरु जब हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी नज़र आती थी तो उसकी काट छाँट करते थे, दुख होता था, अज्ञान था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सतगुरु तो हमारी काग वृत्तियों को निकाल के हंस बना देता है, अरंड को भी चंदन बना देगा, सीख का सतीर बना देगा, कुरड़ी का महल बना देगा, लेकिन बनवाने वाला होना चाहिए। दिल में सच्चाई नहीं है, अपने दिल में सच्चाई को प्रकट कर लोगे, जब नाम के मुरीद बन जाओगे, गुरु के मुरीद बन जाओगे, तो यूं समझो कि दुनिया के बादशाह बन जाओगे।